नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप एमपीपीएससी और उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और एक पूरी की पूरी टीम आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में लगी हुई है। दोस्त अभी कुछ दिनों तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं लाइव आने में। जैसे ही हम वो रिजॉल्व कर लेंगे हम अगेन लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक रोज़ आपको मेरे रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे और आई विल मेक श्योर कि अब कुछ भी हो सेशंस आपको पूरे मिलते रहें और आपका सिलेबस टाइम पर ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप एमपीपीएससी या उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी स्पेशल और फ्री क्लासेस भी होती हैं, सो प्लीज़ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 7000 रुपीज़ पे करना होगा, पर यहां पर अगर आप मेरा कोड SGLIVE यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही चीज आपको 6300 में मिल जाएगी। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे पॉलिटी के अगले टॉपिक पे, राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक की। पॉलिटी में दोस्त अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया है, हमने प्रीएम्बल का स्टडी कर लिया है, हमने प्रीएम्बल को स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भी स्टडी कर लिए, हमने DPSP भी डिस्कस कर लिए। तो कहा जाए तो हम संविधान में भाग 4 तक की कहानी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 4 तक की स्टोरी हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर से हमको स्टार्ट करना है संविधान का भाग 5। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 5, आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। ओके, तो पार्ट 5 हमें आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, भाग 5 का अध्ययन हमें आज से प्रारंभ करना है। और भाग 5 का हेडिंग क्या है, तो भाग 5 की हेडिंग है संघ, भाग 5 की हेडिंग है यूनियन। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान के भाग 5 में किस बारे में चर्चा की गई है, आप आंसर करेंगे संघ के बारे में चर्चा की गई है, यूनियन। अच्छा, संघ या यूनियन का मतलब क्या है, तो समझे यहां पर संघ का यहां पर मतलब केंद्र से है। किससे है, केंद्र सरकार से है या फिर केंद्र से आप मान सकते हैं। तो पहले जो भाग 5 है उसमें हमें केंद्र की चर्चा करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में शासन जो है वो अलग अलग स्तर पर बटा हुआ है। जो गवर्नेंस है, सबसे पहले आपको केंद्र सरकार मिलती है, उसके बाद आपको राज्य सरकार मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट मिलती है, उसके बाद आपको लोकल गवर्नमेंट मिलती है, आपको स्थानीय स्वशासन मिलता है। तो पहले हम केंद्र सरकार की चर्चा करेंगे, फिर राज्य सरकार की चर्चा करेंगे और फिर स्थानीय निकायों की चर्चा करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की चर्चा करेंगे या लोकल बॉडीज की चर्चा करेंगे। तो दोस्त अध्याय 5 या भाग 5 चैप्टर 5 की हेडिंग क्या है, संघ यूनियन। और इसमें हमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की कहानी ख़त्म करनी है। इसमें हमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक की पूरी कहानी को समझना है। तो ध्यान से एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे एंड डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। 30 तारीख तक आई विल मेक श्योर कि जितने भी प्रॉमिसेस मैंने किए हैं वो सारे हम कर पाएँ और वी विल कवर द पॉलिटी और ज्योग्राफी में जो भी मैंने प्रॉमिस किया है वो चीज़ें हम जरूर कवर करेंगे। चलो दोस्तों, भाग 5 में संघ पढ़ना है और भाग 5 में हमें चार चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। कितनी, चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अनुच्छेद 52 से 78 तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक हमें संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, हमें एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, संघ की कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, तो दोस्त आप जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी देश होता है, तो उसमें शासन के लिए तीन इकाइयाँ होती हैं, तीन यूनिट होती हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशरी। तो तीन प्रकार की बॉडीज होती हैं दोस्त। ओके, लेजिस्लेशन का अर्थ क्या होता है, विधायिका मतलब विधि का निर्माण करना। इसमें क्या अर्थ होता है, विधि का निर्माण करना, ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है, ऐसी बॉडी जो लॉ को बनाती है। दूसरी बात, कार्यपालिका क्या होती है,
कार्य करना, शब्द क्या आया, कार्य करना, एग्जीक्यूट करना। तो जॉब जो कानून विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कानून विधायिका या लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानूनों को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। और फिर आती है न्यायपालिका, तो इसका काम है जांच करना। इसका काम होता है चीज़ों को चेक करते रहना कि वेदर भारत में चीज़ें सही तरीके से घटित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, विधायिका अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, न्यायपालिका अपना कार्य सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब बातों की जांच करने का काम किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। तो और भारत में देखो, विधायिका केंद्र की भी होगी और राज्य की भी होगी, लेजिस्लेशन आपके केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा, सेंट्रल का भी होगा, स्टेट का भी होगा, और कार्यपालिका केंद्र की भी होगी और राज्य की भी होगी, सेंट्रल की भी होगी, स्टेट की भी होगी। हालांकि न्यायपालिका भारत में एकात्मक है। तो भाग पांच में हमें सबसे पहले बात करनी है संघ की कार्यपालिका, हमें बात करनी है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। किसकी बात करनी है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन की बात करनी है। और कहां से कहां तक, 52 से 78। तो ठीक है सर, हम ये समझ गए कि कार्यपालिका का मतलब होता है ऐसा निकाय जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करे। सर एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि एग्जीक्यूट करती है लॉ को जो कि लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। पर इसमें होता कौन कौन है, अगला सवाल यही आता है कि सर इसमें होता कौन कौन है। तो याद रखना, कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, इसमें शामिल होता है मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें शामिल होते हैं पूरे अधिकारी। तो ये सारे लोग किसमें आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उसके बाद कार्यपालिका के बाद हम इसी अध्याय में, हम भाग पांच में, हम पार्ट फाइव में ही स्टडी करेंगे विधायिका की। पर किसकी विधायिका, किसका लेजिस्लेशन, संघ की विधायिका की बात करेंगे हम, यूनियन लेजिस्लेशन की बात करेंगे। और ये चर्चा हम करेंगे आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक हम ये बात करेंगे। अब विधायिका का अर्थ ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ऐसा निकाय जो विधि का निर्माण करता है। और विधायिका में हम बात करेंगे संसद की, और संसद में भी किसकी बात करनी है, हमें लोकसभा और राज्यसभा की बात करनी है। विधायिका के बाद हम स्टडी करेंगे दोस्त उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहाँ पढ़ेंगे हम, भाग पाँच में पढ़ेंगे, हम इसको पार्ट फाइव में पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक हमें पढ़ना है। और आखिरी पार्ट हमारा होगा कैग, कॉम्पिटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसमें आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि सर क्या इतने सारे आर्टिकल हमें याद करने हैं, तो आंसर है नहीं, आपको ये सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं। जो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि खास तौर पर ये आर्टिकल याद रखना, आपको बस वही याद रखना है। ओके, तो बढ़िया तरीके से हम एक एक चीज को पढ़ना है, क्लियर करना है, थिंग्स विल बी क्लियर। अब ध्यान दें, यहां पर एक बार यहां पर चीजों को देख लेते हैं। तो कार्यपालिका में हमें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, आर्टिकल 52 से 78 तक। तो संघ की कार्यपालिका में अगर वो आपसे सवाल करे कि भाग पांच के तहत संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, हु इज द पार्ट ऑफ, हु ऑल आर द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप आंसर करेंगे इसमें राष्ट्रपति शामिल है, इसमें राष्ट्रपति शामिल है,
इसमें राष्ट्रपति शामिल है, इसमें उपराष्ट्रपति शामिल है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री मंडल शामिल है, और इसमें भारत का महान्यायवादी शामिल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसमें शामिल है। तो इतने लोग किसमें आ जाएंगे? संघ की कार्यपालिका में आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, जिनके बारे में 52 से 78 तक हमें बात करनी है। उसके बाद फिर सर विधायिका में कौन कौन आएगा? तो दोस्त विधायिका में दो चीज़ें आएंगी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दो चीज़ों की चर्चा हम करेंगे संघ की विधायिका में। संघ की विधायिका में हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। उच्चतम न्यायालय अकेला है, उसमें हमें सिर्फ उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है, और कैग के बारे में सिर्फ कैग ही हमको पढ़ना है। तो दोस्त हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे संघ की कार्यपालिका से, टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव से। और इसमें भी हमारा पहला टॉपिक कौन है? तो हमारा पहला टॉपिक होगा राष्ट्रपति। क्लियर? तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो पद है उसकी प्रेरणा हमको कहाँ से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिला है? तो वो हमको ब्रिटेन से मिला है। वो हमको कहाँ से मिला है? ब्रिटेन से मिला है। याद रखना सवाल अलग अलग हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला है? ब्रिटेन से मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। याद रखना है, छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। इंग्लिश में उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। दोस्त संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो देश में, जो ब्रिटेन है, वहाँ पर जो कानून है, कानून का निर्माण की पूरी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और एक्चुअल में गवर्नमेंट की सारी पावर किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उस एक मिनट, ओके, तो सारी चीज़ें किसके पास हैं? संसद के पास हैं, पार्लियामेंट के पास हैं। बट आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि संसद को अनुमति, आखिर में जो अनुमति देता है, कानूनों को जो आखिरी में अनुमति देता है, वो क्राउन है, वो राजशाही है। वो कौन है? क्राउन है, वो राजशाही है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्त कि जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी लोकसभा और राज्यसभा कानूनों को बनाती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है और कानून क्या हो जाता है? पास हो जाता है या पारित हो जाता है। ये हमारे यहाँ सिस्टम है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसने प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने साइन किया और फिर वो पास हो गया। लेकिन दोस्त जो ब्रिटेन है, वहाँ पर संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उस पर अंतिम जो अनुमति है, जो लास्ट उस पर डिसीजन देता है, वो कौन देता है? क्राउन देता है। हालांकि उसको साइन करना कंपलसरी होता है, पर वहाँ पे क्राउन है। तो सिंपल सी बात ये हो जाती है कि जब किसी भी देश में जो सबसे बड़ा पद है, जो हाइएस्ट पोस्ट है, वो किसी राजा के पास होती है या किसी मोनार्क के पास होती है, तो उसे आप बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन उस राज्य में कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और एक संविधान होता है, तो उसे आप बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो अ कंट्री वेयर द हाईएस्ट पोजीशन इज हेल्ड बाय द मोनार्क बट द लॉ इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। तो बेसिकली ब्रिटेन से हमको प्रेरणा ऐसी मिली कि भैया ब्रिटेन में सबसे ऊपर एक पद होता है और वो क्राउन का होता है। लेकिन भारत ने कहा कि हम ऐसा कोई भी पद नहीं बनाएंगे जो कैसा हो, वंशानुगत हो, जो कैसा हो वंशानुगत हो, हम ऐसा कोई भी पद नहीं बनाएंगे। तो भारत ने यह डिसीजन लिया कि भारत में भी सबसे ऊपर पद होगा और वो पद किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। भारत में सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी। लेकिन वो कैसा होगा? वो निर्वाचित होगा।
वो कैसा होगा? वो निर्वाचित होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा, वो वंश के आधार पर वंशानुगत नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा दोस्त, याद रखना। वो कैसे होगा? वो इलेक्टेड होगा। ये बात भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकारी, ये बात भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने स्वीकारी। और यहीं से याद रखना, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, प्रेसिडेंट इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। और वो कैसा है? वो निर्वाचित है, वो इलेक्टेड है। और जब किसी देश में जो सबसे बड़ा पद होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो निर्वाचित होता है, तो ऐसे देश को आप कहते हैं गणतंत्र। ऐसे देश को आप क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ऐसे देश को आप रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ऐसे देश को आप रिपब्लिक कहते हैं, ऐसे देश को आप गणतंत्र कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, इसके बाद प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? ब्रिटेन से। लेकिन हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है, हमने राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया है? तो याद रखना, वो हमने आयरलैंड से लिया है दोस्त। कहाँ से लिया है? वो हमने आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड में आप जानते हैं कि ब्रिटेन के पास ही एक देश है आयरलैंड, और आयरलैंड से हमने DPSP को भी लिया था, हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी लिया था। तो हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है हमने उसकी निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन प्रोसेस। जबकि हमने राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, हमने राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, USA से लिया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जस्टिस कहाँ से लिया था? तो अमेरिका से लिया था दोस्त। कहाँ से लिया था? अमेरिका से लिया था। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। और राष्ट्रपति के बारे में हम किस भाग में पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। हम भाग 5 में पढ़ रहे हैं, और भाग 5 में भी हम किस में पढ़ रहे हैं? संघ की कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। सबसे पहले आता है क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लें। हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल 52, जिसमें दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देन दोस्त हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 54, जिसमें बताई गई है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55, जिसमें बताया गया है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 55 में। 56 में हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि। क्या पढ़ेंगे हम? राष्ट्रपति की पदावधि पढ़ेंगे। 57 में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। किसकी बात करेंगे? क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। और 59 में हम कंडीशंस की बात करेंगे, शर्तों की बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो 58 में हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और 59 में हम कंडीशंस की बात करेंगे। 60 में हम राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करेंगे, ओथ बाय द प्रेसिडेंट की बात करेंगे। और 61 में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे 61 में। तो दोस्त आज हमारा काम थोड़ा सा बढ़ा है, हमें आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक की बात करनी है, और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। क्लास एक घंटे से कई बार ज़्यादा की भी होंगी, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो सके और जो भी मैंने 2 दिन का गैप हुआ है वो हम कवर कर सकें। तो 52 से 61 तक की बात हमें आज करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी। अब याद रखना, ये जो जब आप कानून पढ़ते हैं, जब आप कानून की किताब पढ़ते हैं, जब आप लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसमें कुछ शब्द आते हैं जिनका ध्यान हमेशा आपको रखना है। जहाँ जहाँ आपको कानून में शैल वर्ड लिखा मिल जाए, जहाँ जहाँ आपको कानून में शैल वर्ड लिखा मिल जाए, उसका मतलब है कि ये कंपल्सरी है। ये क्या है? कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है। तो जहां जहां शैल शब्द इस कानून में लिखा रहता है, उसका अर्थ है कि यह कंपलसरी है, यह अनिवार्य है। और जहां जहां आपको मे वर्ड लिखा रहता है, मे, उसका मतलब होता है दिस कैन बी चेंज। मतलब वो कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये शैल और मे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कानून पढ़ें तो कानून हमेशा अंग्रेजी में पढ़ें। उसका कारण यही होता है कि जो ओरिजिनल कानून लिखा जाता है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, और छोटे छोटे वर्ड वहाँ पर होते हैं और वो वर्ड बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं जब आप वकालत करने के लिए जाते हैं। हालांकि आप में से किसी को वकालत नहीं करनी है, पर मुझे बड़ा शौक है, मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ कि एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए लॉ करने के लिए। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉ। तो आप ज़रूर लॉ करें, और लॉ जब भी करें तो ट्राई कि वो इंग्लिश मीडियम में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें आप सीख सकें और एक बेहतर वकील आप बन सकें। ओके, तो ये शैल और मे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा ही, ये कंपलसरी है कि इंडिया में एक राष्ट्रपति होगा। तो सिंपल सी बात करता है आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद सीधा 53 पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसमें दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या दिया गया है दोस्त? इसमें दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ना, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेटेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझो आसान भाषा में, आर्टिकल 53 का जो पहला पार्ट है, अब याद रखना, यहाँ पर ये 1, 2, 3 याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना कि किसमें है, आर्टिकल 53 में। 1, 2, 3 याद नहीं करना आपको, सिर्फ 53 याद रखना। ओके, जितने भी आर्टिकल होंगे सो आई विल जस्ट मैं इसको सर्किल कर दूंगा। तो 53(1) में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होगी? वो राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होनी है? प्रेसिडेंट के पास होनी है। अब इसका मतलब क्या है? तो दोस्त, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार की जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो किसके नाम पर होती हैं? तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। इसका अर्थ यही होता है कि ये बात किस में दी गई है? आर्टिकल 53 में दी गई है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हेड तो कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा, और जितने भी कार्य करेगा वो किसके नाम पर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट्स में, राज्यों की सरकारों में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी तरह केंद्र सरकार में या केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। पर देखो, यहीं पर उसने बता दिया, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा
करेगा। तो ये वही बात हो गई कि पहली बार में भैया आपने किसी को एक अच्छी बिल्कुल प्यारी सी मीठी चॉकलेट खिलाई और फिर उसको अच्छी कड़वी सी दवाई खिला दी। ठीक है, पहले अपन ने उसको अच्छा पुटिया लिया, बड़े हमारी भाषा में बोलते हैं पुटियाना बोलते हैं, और फिर ले जाके उसको ख़त्म कर दिया। तो भैया यही बात कर दी 53 में। 53 में उसने पहले तो कह दिया कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो पूरी की पूरी राष्ट्रपति के पास होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के पास होगा। लेकिन दूसरे ही पल उसने ये कह दिया वह इनका प्रयोग खुद नहीं करेगा, वह इनका प्रयोग कुछ अधिकारियों के द्वारा करेगा जो इस संविधान में दिए गए हैं, वह इसका प्रयोग अपने सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा करेगा। तो यही कारण है कि राष्ट्रपति को हम कहते हैं कि वह वास्तविक प्रमुख नहीं है कार्यपालिका का, वह जो है वह ओरिजिनल हेड नहीं है, इसके लिए एक वर्ड होता है डिफैक्टो वगैरह, तो डिफैक्टो हेड नहीं है वो, क्लियर। वो सिर्फ एक प्रकार से सांकेतिक हेड है, वो एक प्रकार से सिर्फ दिखाने के लिए सबसे बड़ा हेड है, पर वास्तविक शक्ति किसके पास होती है तो मंत्रिमंडल के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। क्योंकि बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय सांस लेने और खाना खाने के, क्लियर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती। चलिए, इसके बाद 52 का सेकंड पार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में कहा गया है 53 का सेकंड पार्ट सॉरी, कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च भी कौन होगा, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कौन होगा, वो भी होगा भैया राष्ट्रपति, वो भी कौन होगा भैया राष्ट्रपति होगा, सुप्रीम कमांडर कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, रक्षा बलों का सर्वोच्च भी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो भैया 53 से हमें ये दो बातें पता पड़ गई। अब आपसे कभी पूछ ले कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि तीनों सेनाओं का या रक्षा बलों का, आम जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, इनका हेड कौन होगा, तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रपति, और ये भी बता देंगे कि ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है, ऐसा आर्टिकल 53 में कहा गया है। तो एट द एंड रिवीजन के तौर पर 53 से हमें दो महत्वपूर्ण बातें पता पड़ी कि कार्यपालिका का प्रमुख एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है दोस्त, राष्ट्रपति होता है, और रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये बातें हमको किससे पता पड़ी, ये बातें हमको अनुच्छेद 53 से पता पड़ी, आर्टिकल 53 से पता पड़ी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल 54 की बात करते हैं। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें आपको बस ये बताया गया है, इसमें प्रोसेस नहीं है। देखो आर्टिकल 2 आएंगे 54 और 55, तो 54 में सिर्फ आपको ये बताया गया है, आर्टिकल 54 में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कौन कौन करेगा, कौन कौन उसका निर्वाचक गण क्या होगा, उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। सिंपल सी बात, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो रिमेंबर, इसमें सबसे पहले भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, बारीकियां हैं, ध्यान से समझना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं, याद रखना, क्लियर कर दिया, के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं
उनके सदस्यों को भी इसका भाग बना दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग बना दिया गया। अब देखो यहां से ना एक एक बात समझने की है। सबसे पहली बात तो इन सब में एक वर्ड आप कॉमन समझो, निर्वाचित। पहला वर्ड तो ये याद कर लो, निर्वाचित कहां गया भैया, ये रहा निर्वाचित, इलेक्टेड। पहला वर्ड तो निकाल लो, इलेक्टेड, ये पहला वर्ड हो गया। तो दोस्त याद रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनकी पहली शर्त क्या हो गई कि वो निर्वाचित होना चाहिए। वो क्या होने चाहिए, वो निर्वाचित होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में वो जो 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जिनको प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उनको नियुक्त करता है, ठीक है, नॉमिनेट करता है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं आर्टिकल 331 और 333। 331 में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो एंग्लो इंडियन को क्या करता है, नॉमिनेट करता है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके अलावा 333 में, आर्टिकल 333 में आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है, राज्यों का गवर्नर होता है, वो राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नॉमिनेट करता है, तो वो भी इसका हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी बात, अगली बात करते हैं विधान परिषद की। और विधान परिषद कहाँ होती है, राज्यों में होती है। विधान परिषद कहाँ होती है भैया, राज्यों में होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ होती है, स्टेट में होती है, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये याद रखना, ये शब्द जो यहाँ पर है निर्वाचित, ये बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बयां कर देता है। ये एक पूरी कहानी अपने आप में बता देता है कि वो कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का हिस्सा होंगे और वो कौन से लोग हैं जो हिस्सा नहीं होंगे। तो राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, शब्द याद आ गया, मनोनीत सदस्य हैं, वो हिस्सा नहीं होंगे। आर्टिकल 331 में जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को अपॉइंट किया जाता है, वो भी हिस्सा नहीं होंगे। और 333 में जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी हिस्सा नहीं होंगे, और विधान परिषद भी हिस्सा नहीं होगी। तो सर हिस्सा कौन होगा, तो अब तो क्लियर है हिस्सा, पहले मैं क्या कह दिया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो भैया संसद में क्या आता है, तो दोस्त हम जानते हैं संसद में वैसे तो राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन अभी राष्ट्रपति को हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि उसी का तो इलेक्शन है। ओके, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा आ गई। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसमें भाग लेंगे। पहली बात। दूसरा, राज्यों की विधानसभा, याद रखना उसने विधायिका नहीं कहा, यही फंसते हैं एग्जाम में, उसने क्लियरली कहा है राज्य की विधानसभाओं, ठीक है, विधायिका नहीं कहा, तो राज्य में क्या आ जाएगा, विधानसभा, राज्य में आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। इसके भी कौन से निर्वाचित सदस्य, इसके भी कौन इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे विधानसभा वाले में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी, आप जानते हैं दिल्ली और पुडुचेरी भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधायिका है, जिनके पास लेजिस्लेशन है, तो उनके जो विधायक हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जितने भी MLAs हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बशर्ते वो इलेक्टेड होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। तो दोस्त आर्टिकल 54, कंफ्यूज नहीं होंगे, आर्टिकल 54 में हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 54 में हमने बात कर ली कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो 54 में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं
वो संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेशन असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर। आई होप दिस इज क्लियर। पानी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें बेसिकली पता है, इसमें प्रक्रिया की बात की गई है, इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। देखो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 54 में क्या बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, तो अगले आर्टिकल में क्या बताएंगे, अगले आर्टिकल में ये बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आखिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होगा। वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा। दूसरी बात, किस विधि से होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कैसा होगा? तो गुप्त मतदान होगा, सीक्रेट बैलेट से ये क्या होगा, इसका मतदान होगा। अब देखो, अभी इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत को याद रख लो, बाकी जब हम इसके बाद प्रीलिम्स के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये बहुत डीप में समझाऊंगा कि इसमें कैसे चार वोटर आते हैं, फिर सभी वोटर्स को अपने अपने मत का चुनाव करना पड़ता है, फिर जाकर के एक वोट बनता है, दैट वी विल डिस्कस। पर अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। दूसरी बात, किस विधि से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत से होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, एक पूरे एक वीडियो का, पूरे एक घंटे का ये अलग से टॉपिक है, दैट वी विल डिस्कस। और फिर आखिरी में बात की गई है गुप्त मतदान की, आखिरी में बात की गई है सीक्रेट बैलेट की। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि मतदान गुप्त होगा, पहली बात, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से मतदान होगा, और तीसरी बात, मतदान कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। तो क्योंकि अप्रत्यक्ष क्यों होगा ये समझ लो, इनडायरेक्ट होने का मतलब यह है दोस्त कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, तो राष्ट्रपति के लिए हम लोग वोट नहीं करते, हम सीधे वहां जाकर के जो आप और हमें, जो आम जनता है, जो जनरल लोग हैं, जो आम जनता है, वो तो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं कर रही है, वो तो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं कर रही है। हम क्या करते हैं, ये जो आम जनता है, आम जनता जैसे कि आप और हम हैं, तो हम दो लोगों का चुनाव करते हैं। राज्य के स्तर पर हम विधानसभा में एमएलए का चुनाव करते हैं, और केंद्र के लिए हम एमपी का चुनाव करते हैं। और फिर ये एमएलए और एमपी निर्वाचित, एमएलए और एमपी जो इलेक्टेड हैं, वो जाकर के किसका चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कहा जाता है, इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। दूसरी बात, इसमें वोटिंग कैसी होती है, तो गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट से इसमें वोटिंग होती है। जरूरी नहीं है कि आपको अपना वोट हर किसी को बताना हो, आप इसमें सीक्रेट बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं, गुप्त मतदान का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 55 में। क्लियर? तो भैया एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है दोस्त। 52 में हमने क्या पढ़ लिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में हमने क्या पढ़ लिया, कार्यपालिका प्रमुख होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, और साथ ही साथ रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा, हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। 54 में हमने क्या बात कर ली, 54 में हमने ये बात करी कि कौन कौन से सदस्य इसमें भाग लेंगे, मेंबर जो इसमें भाग लेंगे, और 55 में हमने प्रक्रिया की बात कर ली कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होगा, किस मेथड से होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल हाँ, इसमें एक पॉइंट और कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान मात्र
उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, मात्र किसके द्वारा किया जाएगा, मात्र उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, और ऐसा किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 71 में। तो अक्सर ये सवाल आ जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, तो सिर्फ एक बॉडी उसे सॉल्व करेगी और वो है उच्चतम न्यायालय, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा ये बताया गया है कि भारत संविधान के अलावा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु या और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया गया है। मतलब इतनी प्रोसेस तो पूरी की पूरी संविधान में दी हुई है, इतनी प्रोसेस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी, पर इसके अलावा 1952 में एक एक्ट भी बनाया गया है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से रिलेटेड है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ जाता है यहां से। अगला, अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की, राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं। क्लियर? तो इसमें कहा गया है, सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 साल की होती है, 5 ईयर की होती है। किसमें कहा गया है, 56 में कहा गया है, ये बात हम सभी जानते हैं। उसके अलावा इसी में अब ये सवाल बनता है और इसका आंसर हम कई बार नहीं कर पाते, ये सवाल आ चुका है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र का जिक्र, राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन का जो जिक्र है, वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे, वो आर्टिकल 56 में किया गया है। वो किसमें किया गया है, वो आर्टिकल 56 में किया गया है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अपना रेजिग्नेशन वीपी को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो देखो, पदावधि की बात तो 56 में की गई है, टर्म ऑफ ऑफिस की बात तो 56 में की गई है, पर एट द सेम टाइम त्यागपत्र, रेजिग्नेशन की बात भी 56 में की गई है, और वो किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इसके अलावा जिसमें कहा गया है इसी में कि राष्ट्रपति अपने पद अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति था, उसके 5 साल क्या हो गए, खत्म हो गए, उसके 5 साल खत्म हो गए, लेकिन अभी जो नया राष्ट्रपति आना है, न्यू जो प्रेसिडेंट आना है, वो अभी उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, तो वो तब तक, ये जो पुराना राष्ट्रपति है वो तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति क्या नहीं कर लेता, ज्वाइन नहीं कर लेता, उसे वो ज्वाइन नहीं कर लेता। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके 56 के 4 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जो उपराष्ट्रपति है वो त्यागपत्र की सूचना किसे देगा, वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। द वाइस प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। दैट इज समथिंग वॉट यू हैव टू रिमेंबर। तो 56 में भैया 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ जाते हैं जहां से सवाल बहुत आते हैं। पहला, उसकी पदावधि कितनी होगी, तो 5 साल की। त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। और जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, रेजिग्नेशन देगा, तो ये उपराष्ट्रपति किसे इन्फॉर्म करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को इन्फॉर्म करेगा। ये इन्फॉर्म करेगा लोकसभा के स्पीकर को। किसे इन्फॉर्म करेगा, लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करेगा। क्लियर? आई होप दिस इज पर्टिकुलरली क्लियर। तो इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, इसके बाद 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन
पुनः निर्वाचन के लिए पात्र था। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका के संविधान जैसा प्रावधान भारत में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है चलिए जो एक व्यक्ति है वो मैक्सिमम दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा अमेरिका के संविधान में प्रावधान दिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन दिया गया है। लेकिन दोस्त, भारत में आर्टिकल 57 में क्लियरली ये कहा गया है कि भारत में एक व्यक्ति जितने बार चाहे उतने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भारत में एक प्रथा चल चुकी है, भारत में एक कस्टम चल चुका है जो अनौपचारिक है, जो औपचारिक नहीं है, जो अनऑफिशियल है। कि भारत में प्रथा ये चल गई कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार राष्ट्रपति बना दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो वो जनरली दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनता, वो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट नहीं बनता। बस एक ही राष्ट्रपति भारत में ऐसे हुए हैं जो दो बार जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया है, तो वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दो बार पद धारण किया था राष्ट्रपति का। उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने, सारे के सारे एक एक ऑफिस के लिए, एक एक टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अ पर्सन कैन बी री इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एज सेज आर्टिकल 57। तो अनुच्छेद 57 के अनुसार एक व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद आर्टिकल 58 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अब शब्द समझना, क्योंकि 58 और 59 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें दिया गया है 58 में क्वालिफिकेशंस, 58 में दी गई हैं अर्हताएं। 58 में क्या दिया गया है? क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, अर्हताएं दी गई हैं फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है दोस्त, समझो। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है, 35 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, और एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल, या फिर कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, वो क्या हो सकता है? उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो देखो, इसमें 58 में क्वालिफिकेशंस की बात है, 58 में अर्हताओं, या फिर अपनी भाषा में कहें तो योग्यताओं की बात है। किसके बात है? योग्यताओं की बात है, अर्हताओं या फिर क्वालिफिकेशंस की बात है। तो आर्टिकल 58 क्लियरली तीन चार बातें आपको बता देता है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अच्छा, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भी एक पॉइंट आप क्लियर लिखना कि ऐसा नहीं है कि वो भारत का नागरिक किस रीति से है। अब भारत का नागरिकता आप कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो कई तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। आप पंजीकरण से भी एक्वायर कर सकते हैं, आप देशीयकरण से भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, जन्म से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कई प्रकार के प्रावधान हैं। और जैसे ही ये मैं पूरा बिल पढ़ लेता हूं, अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है उसको पढ़ने के बाद हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लगभग 2 से 2.5 घंटे का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम भारत के जो अध्याय 2 है, जो भाग 2 है, वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे कि भारत में जो नया संशोधन आया है, भारत में जो नया अमेंडमेंट आया है वो क्या है। तो उस पर हम कंप्लीट एक डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये नया अमेंडमेंट क्या है। क्लियर? तो एक पॉइंट वो आपको याद रखना है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो भारत में नागरिक होना चाहिए वो किसी भी तरीके से है। जैसे अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में ये रूल है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ है।
मतलब जैसे अगर मैं अभी जाऊं और मुझे अमेरिका की नागरिकता मिल भी जाए तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे बच्चे जो अमेरिका में पैदा होंगे वो राष्ट्रपति जरूर बन सकते हैं, वो प्रेसिडेंट जरूर बन सकते हैं। क्लियर? तो पर भारत में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। भारत में अगर व्यक्ति एक बार सिटीजन बन गया, नागरिक बन गया, तो ही कैन बी री इलेक्टेड, ही कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट। दूसरा, सभी जानते हैं न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु 35 है, 35 है, ये दूसरा। और तीसरा पॉइंट महा इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं, इसको हम महा इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। महा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, ये है कि वो सदस्य लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। मतलब कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किस योग्य हो, तो वो कम से कम लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो जो सारी योग्यताएं, जो सारी क्वालिफिकेशंस हम अभी लोकसभा सदस्य के लिए पढ़ेंगे, वो तो अप्लाई होंगी ही राष्ट्रपति पर, वो सारी तो अप्लाई होना ही होना है। और साथ में दो और ऐड हो जाएंगी, एक तो भारत का नागरिक होना और 35 ईयर की मिनिमम एज का होना। और फिर आता है कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर यह वर्ड आ गया, लाभ का पद। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, मतलब इंडियन पॉलिटी का बड़ा ही, वो कहते हैं ना कि एक व्यंग कसने वाला जो टॉपिक है ना, वो लाभ का पद है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। वो कौन सा टॉपिक है? वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अब पहली बात तो याद रखना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो लाभ का पद शब्द है, ये संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, इसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है। तो पहली बात याद रखना, इसको सिर्फ इसकी चर्चा की गई है पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है पूरे तरीके से। अब लाभ का पद होता क्या है? तो दोस्त, लाभ के पद का मतलब होता है कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का बड़ा सिंपल, बाकी इस पर बहुत विस्तार चर्चा है, अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे, अभी सिंपल में याद रखो। सिंपल सा इसका मतलब यह है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जैसे वो कलेक्टर नहीं होना चाहिए, वो आईपीएस नहीं होना चाहिए, वो एसआई नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो इवन चपरासी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में है, अगर वो किसी भी प्रकार के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, तो फिर वो लाभ का पद माना जाएगा और फिर वो एलिजिबल नहीं होगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल ही में एक केस आया था जब एक आईएएस ऑफिसर, एक बहुत ही काबिल आईएएस ऑफिसर, बहुत ही रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर, श्री ओपी चौधरी जी को विधानसभा का चुनाव लड़ना था, तो उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर थे, वो एक सरकारी जॉब पर थे जो लाभ का पद माना जाता है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात यह है कि इस लाभ के पद के तहत मंत्री एमपी और एमएलए को नहीं रखा जाता दोस्त। यही इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैसे नेता लोग अपने लिए जुगाड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अगर कोई व्यक्ति एमपी है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अगर कोई व्यक्ति एमएलए है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो एमपी है, एक व्यक्ति जो सांसद है, वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, उसे रिजाइन नहीं करना पड़ेगा एमपी की पोस्ट से। उसे रिजाइन कब करना पड़ेगा? जब वो चुनाव जीत जाएगा, जब वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर मान लो किसी भी सरकारी ऑफिस में प्यून की जॉब करता है, तो उस बेचारे को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहले अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा, और चुनाव हार गया तो उसके पास तो जॉब भी नहीं रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें एमपी एमएलए वगैरह नहीं आते हैं, एमपी एमएलए इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है लाभ के पद के अंदर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये थी आर्टिकल 58 की कहानी, जिसमें हमने पढ़ी क्वालिफिकेशंस, जिसमें हमने बात की अर्हताओं की। क्लियर? अब बात करते हैं
अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आपको चाहिए पड़ते हैं, 50 प्रपोजल्स आपको चाहिए पड़ते हैं। और 1997 से पहले ये नंबर 10 हुआ करता था। और जमानत राशि क्या होती है? 15,000। यदि व्यक्ति को 1/6 वोट्स नहीं मिलते हैं तो जब्त हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं, आपको कॉशन मनी के रूप में जमा करते हैं। और आपने चुनाव लड़ा, एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उसे 1/6 से क्या मिले? कम वोट मिले, तो उसके जो ये 15,000 रुपये हैं ये जब्त कर लिए जाएंगे। RBI करता है ये सारा काम, RBI के द्वारा ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा 15,000 रुपये का। तो पूछ ले अगर कभी कि राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है, तो आंसर करना 15,000 रुपये है, 15,000 रुपीज़ है। चलो आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 59 की। 59 में कंडीशंस दी गई हैं, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? कंडीशंस दी गई हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अब याद रखना 58 में योग्यताएं थी, 58 में शर्तें हैं, और ये शर्तें जनरली तब हैं जब एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। 58 में हमने बात की जब एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का, अगर मान लो जैसे कि ये राष्ट्रपति का पद है तो इस तक पहुंचना है, अगर इसको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस होंगी, उसकी चर्चा हमने 58 में की। और अब एक व्यक्ति यहां पहुंच गया, एक व्यक्ति चुनाव लड़के यहां पहुंच गया, तो अब क्या कंडीशन होंगी इसकी बात हमें किसमें करना है? 59 में करना है, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। देखो दोस्त, पहली बात, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा था, जैसे मान लो कि एक MP है, कोई भी एक सांसद है, या कोई भी एक MLA है, कोई भी एक विधायक है, और इन लोगों ने क्या लड़ा, इनमें से किसी ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गए, चुनाव में क्या हो गए, जीत गए, तो अब इन दोनों को अपनी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, अब इन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, इन्हें अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ये बात किसमें कही गई है? 59 के 1 में कही गई है। इसके अलावा अगली बात क्या है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वह कोई और पद धारण नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया है तो इसके अलावा कोई दूसरा पद धारण नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी कंपनी में जाकर के कोई पद धारण कर ले, तो वो कोई दूसरा पद धारण नहीं करेगा, दूसरी कोई जॉब नहीं करेगा, सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा। तीसरा, मकान इत्यादि की सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। तो आप जानते हैं द ग्रेट प्रेसिडेंट हाउस, महान राष्ट्रपति भवन, खूबसूरत राष्ट्रपति भवन में रहने का जो आपको सुख मिलता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके सामने कोई भी 5-star या 7-star होटल भी फेल हो जाती है दोस्त। ओके, तो याद रखना उसको ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। और पदावधि के दौरान वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या, शेल नॉट बी डिमिनिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, शेल नॉट बी डिमिनिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये बात हम पहले भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में पढ़ चुके हैं और कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। द सैलरी, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति का वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए एक अधिनियम है, राष्ट्रपति वेतन भत्ता अधिनियम 1951। राष्ट्रपति वेतन भत्ता अधिनियम 1951 है। जब भी राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाना पड़ता है तो इस अधिनियम में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इस अधिनियम में क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। 2008 में किया गया था और अभी वापस से किया गया, और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5,00,000 रुपये प्रति माह है, जो कि टैक्स फ्री होता है, जिस पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। याद रखना, प्रधानमंत्री
प्राइम मिनिस्टर की सैलरी पर टैक्स लगता है, पर राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, ऐसा लिखा गया है प्रेसिडेंट एम्यूलिमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 में। राष्ट्रपति वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1951 में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो भी सैलरी राष्ट्रपति को मिलेगी उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही निकल करके आ जाते हैं जो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की सैलरी संसद के द्वारा डिसाइड की जाती है, वर्तमान में 5 लाख रुपये है और ये टैक्स फ्री होती है, उसे घर मुफ्त मिलता है और लाभ कोई और पद धारण नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 59 में इन बातों की चर्चा की गई है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगली बात करते हैं दोस्त आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है, ओथ ऑफ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 60 में की गई है। और शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं, और अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो एब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनको शपथ दिलवाते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति जो है उनकी जो शपथ है, उनकी जो ओथ है, वो संविधान की शपथ लेते हैं, और उनकी शपथ की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 60 में की गई है। कौन दिलवाता है शपथ, तो उनको शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको शपथ दिलवाते हैं। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलवाते हैं। अब याद रखना दोस्त, आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी अनुसूची 3 में, तो अनुसूची 3 में हमने शपथ वगैरह की बात की थी, और उसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती। उसमें जो अनुसूची 3 है, जो शेड्यूल 3 है, उसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती। उसका रीज़न यही है कि उनकी जो शपथ है, राष्ट्रपति की जो ओथ है, उसकी चर्चा ऑलरेडी आर्टिकल 60 में कर दी गई है, ऑलरेडी अनुच्छेद 60 में कर दी गई है। इस तरह से भैया हमारे 60 आर्टिकल 60 तक की कहानी ख़त्म होती है, और 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और कल हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चर्चाएं कर लेंगे, शक्तियां वगैरह देख लेंगे, और उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम कुछ बात कर लेंगे। सो दोस्त, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने आर्टिकल 52 पढ़ा, हमने 53 की बात की, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ओके। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में हमने बात की कि वो कार्यपालिका का प्रमुख और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा, 54 में हमने बात की कि कौन कौन से वो सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, फिर 55 में हमने प्रक्रिया की बात की, प्रोसेस की बात की, 56 में हमने देखा, 56 में व्हाट वी हैव सीन, सॉरी यार एकदम दिमाग से निकल गया, ठीक है। छप्पन में हमने टर्म ऑफ ऑफिस की बात की, 57 में छप्पन में हमने टर्म ऑफ ऑफिस की बात की कि पदावधि क्या होगी, 57 में हमने पुनः निर्वाचन की बात की, री इलेक्टेड होने की बात की, 58 में हमने योग्यताओं की बात की, हमने क्वालिफिकेशंस की बात की, 59 में हमने कंडीशंस की बात की, और 60 में हमने ये डिस्कस किया कि उसकी शपथ क्या होगी, उसकी ओथ क्या होगी। इतनी बातों की चर्चा दोस्त हमने आज कर ली है, बाकी की चर्चा हम कल के अध्याय में
में करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी ऐप पर ख़रीदना चाहते हैं दोस्त, तो यूज़ माई कोड SGLive, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर 10 दिसंबर से शाम को 7 बजे मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है, तो वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और बहुत पढ़ो गाइस, बहुत मेहनत करो। ओके, और आप लोगों से मुलाकात होगी वापस से। थैंक यू सो मच, टेक केयर।